सर अभी जब अभी आप पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं सर, क्या मूवमेंट है अंदर? सही, अभी जो भी इंस्ट्रक्शन लेना था मुझे अपने क्लाइंट से, क्योंकि आज स्टेट कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा रिमांड के लिए, तो मुझे फैक्ट्स वगैरह की जानकारी भी चाहिए थी, इंस्ट्रक्शन के लिए मैं आया था। अभी थोड़ी देर में उसको मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाएंगे पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग। कौन सी हॉस्पिटल लेके जाएंगे मेडिकल चेकअप के लिए सर? मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जो यहाँ के जो रजिस्ट्रेशन में आता है। फिर वो पुलिस वाला फिर वहाँ प्रोड्यूस वहाँ पर कोर्ट में कितने बजे प्रोड्यूस करेंगे? कोर्ट में टाइमिंग का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मेडिकल वगैरह में डिले होगा, तो आफ्टरनून में आफ्टरनून सेशन में होगा। क्या क्या धाराएं लगाई गई है आपके? धाराएं पहले 406, 323, 504, 506 पार्ट टू था, फिर कल कंप्लेनेंट ने एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दिया कि उनके साथ में जो भी हुआ है अकॉर्डिंगली 376, 377 पर उसने ऐड किया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे। क्या आपने आदिल भाई से बात की? आदिल से? जी हाँ बात की। क्या क्या बताया आदिल का? जो राखी सावंत ने अपनी दाग दिखाए गाल पे और उनके सीने पर, कि कितनी सच्चाई है, जानना बहुत जरूरी था। आपको क्या बताया? वो सारी चीज़ें हम कोर्ट में रखेंगे बराबर, ये अभी इस टाइम पे बोलना आप लोगों के सामने कम्प्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम भी उनसे पूछे थे, क्योंकि रही बात मारपीट की जो एलिगेशन है वो इनफैक्ट मारपीट मेरे क्लाइंट के साथ है, उसकी बॉडी के ऊपर मैंने खुद देखा, उसकी बॉडी के ऊपर कई जगह मारपीट के निशान हैं। अभी मेडिकल चेकअप होगा तो वो भी आपके सामने फैक्ट आ जाएगा। वो ये जो धारा लगा है नॉन अवेलेबल या नॉन अवेलेबल है? 376 और 377 और 406 नॉन अवेलेबल है, बाकी 323 और 504, 506 अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? नीरज। आप भी नीरज मेडिकल के लिए? आप? हाँ जी। आप भी रहेंगे? नहीं, वो पुलिस वाले ही रहते हैं। आपका नाम क्या सर? नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता, थैंक यू।